कैन सी मैं अभी बेयर फेस हूँ और टाइटल और थंबनेल से आपने देख लिया होगा मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ अपना एंगेजमेंट मेकअप लुक। तो गाइस रिक्रिएशन इस टाइप में मैं करने वाली हूँ कि वहाँ पर जैसा लुक उन्होंने यू नो डन करके दिया था उसी तरह यू नो स्टेप सेम फॉलो नहीं करूँगी बट अपने तरीके से मैं उस लुक को क्रिएट करके दिखाऊंगी। एंड आप मुझे कॉमेंट्स करके बताना कि आपको वो वाला लुक ज़्यादा प्यारा लगा था या मेरे वाला, क्योंकि मुझे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि दी आपने बाहर से क्यों कराया, आप हमें तो सिखाते हो लेकिन आपने बाहर से क्यों कराया। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना मेकअप। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्किन केयर से स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे डर्माडॉग का एंटी एक्ने फेस टोनर यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से है ये एंड इट्स अ एंटी एक्ने टोनर। प्लीज इग्नोर माई डार्क सर्कल्स बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बट ये लुक भी बहुत ज़रूरी था आप सबके साथ शेयर करना। ना इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज करना। तो मैं यहाँ पे पर्पल का एक क्यूट सा लिप बाम यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है एंड ये मैंगो फ्लेवर है, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है गाइस ये। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे पर्पल का फेशियल सीरम यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा आपको मिक्स करना है लाइक दिस। ये स्किन रेजुवेनेशन सीरम है एंड कुछ इस तरीके से है। हल्का सा जस्ट वन ड्रॉप आपको यूज़ करना है, लाइक एक ड्रॉप इस साइड एक ड्रॉप इस साइड, और आपके फेस को ये यू नो रेजुवेनेट करेगा प्लस आपके फेस पे ग्लो प्रोवाइड करेगा। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कलर बार का स्किन इल्यूमिनेटिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरी स्किन इल्यूमिनेट करेगा, ये लाइक शाइनी शाइनी थोड़ा सा करेगा। आफ्टर दैट गाइस फॉर प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का बेस मैजिक प्राइमर। सो कुछ इस तरीके से वाइट इन कलर ये आता है, वाइट एंड यू नो लाइट इन लाइट पिंक कलर में। सो ये मेरे फेस पे जितने भी ओपन पोर्स है ना उनको ब्लर आउट कर देगा। सो इसे मैंने हल्का हल्का डॉट डॉट्स में यूज़ किया है। सी नाउ गाइज इसके बाद में मिलानी का आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। सो हल्का हल्का ये आपको जस्ट अपने डॉट डॉट्स में अपने आईलेट पे यूज़ करना है जिससे आपका आई मेकअप क्रिस्पी करेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए अपने फेस को प्रिपेयर कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे एले गर्ल का ये एचडी कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ फेस प्राइमर। सो गाइज इसे मैं बेसिकली उस एरिया में यू नो अप्लाई करूँगी जहाँ पर मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन की, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे फेस से हल्के हल्के मार्क्स है, तो उस एरिया में हल्का हल्का मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस। आप इस लुक को गाइस किसी भी मेकअप के साथ यू नो किसी भी ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट कर सकते हो। सो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है ना कि जो सलोन में प्रोडक्ट्स थे वो मेरे पास हो, एंड मैं अपने हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। एंड अगेन प्लीज़ इग्नोर माई डार्क सर्कल्स गाइज बिकॉज आई एम बहुत ज़्यादा टायर्ड क्योंकि शॉपिंग कर करके मेरी हालत ख़राब हो चुकी है एंड वो मेरे फेस से आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। सो आपको दिख रहा होगा थोड़ी कन्फ्यूज भी मैं हो रही हूँ यार। यहाँ पर मैं वेट एंड फाइल का एच डी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। हाई डेफिनेशन फाउंडेशन है ये फोटो फोकस, एंड ये न्यू आइवरी शेड है मेरी जो कि मैंने रिसेंटली यू नो इसका हॉल वीडियो जल्दी ही आने वाला है। मैंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाए हैं एंड उनमें से कुछ मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। मतलब होता है हर गर्ल को कि मैं प्रोडक्ट आते ही ना मेरे से वेट नहीं किया जाता, मैं यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ एंड कोई भी मेकअप आप फेस पे यूज़ कर रहे हैं सो उसे नेक पर भी आपको यूज़ करना है। गाइस कैमरा के सामने और लाइट्स वगैरह मैंने लगा रखी है, उसके सामने आपको मेरे फाउंडेशन का कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल परफेक्ट शेड है ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन जो कि यू नो कम बजट में आपको बहुत ही तगड़े वाला कवरेज देता है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे आपको मीडियम टू हाई कवरेज मिलती है एंड इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से सेट कर रही हूँ। सी गाइज इसने एक बारी में बहुत ही अच्छी कवरेज दी है ना, अब बारी आती है इसकी डबल कवरेज पे लगा रही हूँ ताकि मुझे बहुत ही अच्छी यू नो फुल कवरेज काइंड में मिले। एंड जो मैंने ग्रीन प्राइमर यूज़ किया था उसके बाद आपने देखा होगा जो पिंपल्स वगैरह थे वो बहुत ही तगड़े तरीके से हाइड हो गए हैं। एंड
ये दिख रहे हैं आपको डार्क सर्कल्स, इनको हाइड करना है तो मैं यहाँ पे मिलानी का, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर गाइज, अगर आपको हाई कवरेज वाला चाहिए तो ये मिलानी का कंसीलर है, जो कि इसमें मेरे शेड है 125 लाइट नेचुरल, तो ये बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। एंड थिक है ये काफ़ी, तो लगाते मतलब बातें मत करना, जल्दी से इसको ब्लेंड कर देना, अदरवाइज ख़राब हो जाएगा काम आपका। तो इस तरीके से आईलिड पे और अंडर आई पे मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्पॉन्ज ही अपना यूज़ कर रही हूँ। गाइज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर आई हैव एवर यूज्ड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड लुक एट द कवरेज, मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ही सुंदर तरीके से इसने हाइड कर दिए है ना। इसके बाद अब बारी आती है जो मेरा फेस है, मैंने कंसीलर और फाउंडेशन लगाया उसको सेट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका बजट कम है तो लूज पाउडर में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ADS का लूज पाउडर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है वो भी, तो यहाँ पर हल्का सा मैंने ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर एक ब्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ, उसकी हेल्प से मैं इसे सेट कर रही हूँ, अदरवाइज आप स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये लुक मैं अपने हिसाब से सेट कर रही हूँ, मतलब जैसा सलून में मैंने कराया था वैसा मैं उनके स्टेप्स तक फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ मैं इस लुक को करती तो कैसे करती, तो उस हिसाब से मैं इस लुक को क्रिएट कर रही हूँ। एंड सी ना, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ सेकंड्स तक के लिए यानी 10-20 सेकंड्स तक के लिए वेट करना है ताकि ये पाउडर अच्छे से सेट हो जाए। अब गाइस अब थोड़ी देर हो चुकी है और अब मैं एक ब्रश ले रही हूँ और इसकी हेल्प से इसे ब्लेंड आउट करना स्टार्ट कर रही हूँ लाइक दिस। ना इसके बाद मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से फेस को कंट्रोल कर रही हूँ, एंड दिस इज़ द मोस्ट यू नो इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपको करना ही करना है ताकि फेस के यू नो एक शार्पनेस दिखे और जो पिक्चर्स क्लिक हो तो बहुत ही अच्छा लुक आए। तो मैं यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक डिफोर्स पैलेट यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट, जो कि बहुत ही अच्छे से यू नो मेरे फेस को शार्प दिखाता है। और इसका जो यू नो ये शेड है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। नाउ गाइस इसके बाद मैं पलाडियो का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे 2-3 यू नो जो ब्लश है वो पिक किए थे, लॉरियल का भी था और मेबलिन का भी था, बट आई थिंक ये बहुत ही सुंदर तरीके से जाएगा। सो मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रही हूँ एंड इसे अपने एपल ऑफ द चीक्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। गाइस इसके बाद अब बारी आती है आईब्रोज की, हाईलाइटर मैं एट लास्ट लगाऊंगी ताकि फैले ना बिल्कुल भी। और ब्राउज के लिए वेट एंड वाइल्ड का ये अल्टीमेट ब्राउ किट यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं बहुत ही ज़्यादा आपको रिकमेंड करती हूँ कि खरीद लो इसे, 300-400 रुपये में आपका बहुत ही तगड़े वाला काम बन जाएगा। बहुत ही अच्छी शेड है इसमें, मेरा शेड है 01, एंड अब मैं ब्राउज को फिल कर रही हूँ। नाइस, टाइम फॉर आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए गाइस मैंने 2 पैलेट्स यहाँ पे पिक की हैं। फर्स्ट वन इज हुडा ब्यूटी का ये रोज़ गोल्ड पैलेट है। सो गाइस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई पैलेट की हर एक ब्राइड के पास होना चाहिए, आफ्टर दैट मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट जिसमें मेरे ड्रेस से मैचिंग थोड़ा सा शेड है। फर्स्ट इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ एक डार्क ब्राउन शेड, लाइक मैं ये शेड यहाँ पे पिक कर रही हूँ, एंड यहाँ पे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ।
गाइज अगेन आई एम यूजिंग मिलानी का कंसीलर एंड इसके लिए अब मुझे एक क्लीन ब्रश की हेल्प चाहिए, वरना मेरा जो ये है ब्रश है खराब हो जाएगा। गाइज यहाँ पर एक ब्रश में मैंने ले लिया है शेड हल्का हल्का, मुझे कट क्रीज यहाँ पर करना है। गाइज मैं यहाँ पे ये मेकअप रेवोल्यूशन का ट्राई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड ये जो शेड है ये मेरी ड्रेस का एग्जैक्टली शेड है और मैं इसे फिंगर की हेल्प से आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ, तो जो कलर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उभर के आएगा। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट शेड है वो है 24 कैरेट, ये वाला शेड, एंड इसे मैं प्लेस कर रही हूँ सेंटर ऑफ आईलिड के। गाइज इसके बाद एक क्लीन ब्रश लेके मैं सारी शेड्स को स्मच कर रही हूँ, मतलब ब्लेंड आउट अच्छे से कर रही हूँ ताकि कोई भी इधर उधर ना दिखे, सब अच्छे से ब्लेंड हुई हुई शेड दिखें। और लाइक दिस एंड दिस इज माय आई मेकअप। बस यहाँ पे अभी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं जल्दी ही शेयर करूँगी एंड आई थिंक मैंने परफेक्ट किया है। बाकी आप मुझे कॉमेंट्स करके बताना कि कैसा किया है। नाउ गाइज अब बारी आती है काजल की। सो यहाँ पे मैं पर्पल का कॉल आई लाइनर काजल यूज़ कर रही हूँ। ना इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का लाइनर, सो कोलोसल लाइनर है ये। अब बारी आती है हाइलाइटर की। सो यहाँ पर मैं इस पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। एक छोटू से ही फैन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने फेस पे सेट कर रही हूँ, लाइक हाइलाइट कर रही हूँ। नाउ लास्ट अब पारी आती है लिपस्टिक की। सो गाइज यहाँ पर मेरे पास सेम शेड है, एक है कम प्राइस की एक है थोड़ी सी एक्सपेंसिव। सो यहाँ पे फर्स्ट वन है कलर बार की एंड ये जो शेड है मेरा ये है किस प्रूफ लिप सेटिंग पाम पीच कलर है एंड पर्पल की मिनी लिपस्टिक में से ये आई थिंक 200-300 समथिंग की है। तो इसमें जो मेरा शेड है ये शेड 6 है गाइज, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उस दिन वेयर किया था ये वाला शेड क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिप्स पे लगाया था वो कलर मुझे, जैसे कि आपने सलोन वाली वीडियो देखी हो तो उस पे बहुत ज़्यादा लाइट था, घर आके मैंने चेंज कर दिया था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। सो ये मैंने यूज़ किया था। ना इसके बाद लास्ट में यूज़ कर रही हूँ मिलानी का सेटिंग स्प्रे। सो गाइज यहाँ पर इसने मेरे मेकअप को लॉक कर दिया है और अब मैं मिलती हूँ आपसे ड्रेस चेंज करने के बाद। दिस इज द फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मीन्स अ लॉट टू मी। और इसी तरह की और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ नई छोटी सी घंटी उस पर प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। Bye. Love you.